आज फिर गया था तू लाल मोहन के घर? अरे अरे काहे गुस्साती है रे? देख, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अरे गुस्सा काहे हो रही है रे? और ये गुस्सा ना तुम पे अच्छा नहीं लगता, थूक दो इसको। और हाँ, आंखें बंद करो अपनी, चलो आंखें बंद करो जल्दी से। ये कौन सा नया खेल खेलना चाहते हो? अरे कौनो खेल नहीं है भाई, आंखें तो बंद करो। अच्छा ठीक बा। अरे ये तो वही वाला हार है जो हथिया बाजार में देखे थे। बहुत ही सुंदर है, पर इतना पैसा आया कहाँ से? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, बहुत पैसा है, ये लो रखो, 50,000 से ज्यादा है, अंदर रख लो। लाल मोहन भाई साहब से लिए हैं उधार, बीज और खेत के वास्ते। काहे लिए उसे पैसा? अरे हम कितनी बार बताए कि वो अच्छा आदमी नहीं है, अगर वो तुमका पैसा दिया है ना तो उसके पीछे भी जरूर कोनो मकसद होगा उका। बाबूलाल, अरे बाबूलाल समझता का है वो अपने आप को, हमरी हाथ पकड़ेगा। अरे का हुआ ही हाथ में? अब तुमको बताकर तो कोनो फायदा है नहीं, काहे कि तुम कछु नहीं कर सकोगे। अरे बुझवेले बुझाती रहोगी कि कुछ बताओगी भी? चकिया हाट से आ रहे थे हम तो रास्ते में ऊ लाल मोहन बाबू मिल गया, जबरदस्ती हमें अपने फटफटिया में बिठाना चाहता था, हमने मना किया तो हाथ पकड़कर खींचने लग गया ससुरा। क्या बात कर रही हो? अगर विश्वास ना है तो रज्जो से पूछवा दे, ऊ भी थी हमारे साथ। ये अच्छा नहीं किया लाल मोहन, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बीवी का हाथ पकड़े बीच रास्ते, अभी जाकर देखते कितना बड़ा गुंडा है वो। अरे तनिक रुको, खा पी देखता हूँ साले की सब गुंडागर्दी निकालता हूँ आज मैं। अबे वो हमसे सुनाए? सुनाए मच्छर ने हमको काटा। क्या बात, मच्छर ने हमको काटा। वाह वाह, ये उसका जुनून था। वाह, हमने उसको खुजाया, ये हमारा सुकून था। क्या बात है, क्या बात। लाल मोहन ये तुम अच्छा नहीं किए, अच्छा नहीं किए तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बीवी का हाथ पकड़ो, बदतमीजी करो उसके साथ। अरे हम तुम्हें अपना दोस्त समझे और तुम? अरे भैया तुम हमारी बीवी के साथ बदतमीजी किए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बैठिए बैठिए ना बाबू, हम आपको क्या हुआ बाबू भैया कि अब बताइए पहले, ये हमारी भौजी है कि ना है? लीजिए ना, वो हमारी भौजी है कि ना? भौजी है ना? हम कहा देखे भैया, हम गाँव जा रहे थे, हम देखे भौजी सामान पूरा उठाए ऐसे ही पैदल चली जा रही है, हम फटपटिया रोक दिए अपना। हम भौजी को यही पूछे कि भौजी हम गांव छोड़ दें, ठीक है ना भैया? हम भौजी को पूछे कि भौजी गांव छोड़ दें। अब एक बात आप बताइए, इतना धूप में सामान के साथ भौजी जा रही है, हम देखे वहां पर छोड़ देते, आप हमको कुछ कहते कि नहीं? कहते ना, हम यही बात ली फटपटिया रोके, उतर के पूछे कि भौजी गाँव छोड़ दें, मना कर दी। हम उनका सामान ले लगे हाथ से, तो क्या हुआ भैया, वो थोड़ा छीना झपटी हो गया, ओकरे में भौजी का हाथ उत पकड़ा गया होगा। अब कोई बात नहीं, छोड़ दे भैया, चलते हैं। जी जी, अच्छे से जाइएगा भैया। सड़क किनारे कैसे आ गए? रात तो हम लाल मोहन के घर, साला कुछ याद कह नहीं आ रहा। सवेरा हो गया, चलो घर चलते हैं।